ऋषि मार्कंडे कृषक विकास एवं पशुपालन सहायक मेला जुखाला के समापन अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और मेलों से आपसी तालमेल और भाईचारे की भावना पैदा होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों तथा बागवानों की आय 2020 तक दुगनी करने की दिशा में अनेक योजनाएं आरम्भ की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती और शून्य लागत प्राकृतिक खेती को राज्य में लागू करने के लिए पहले ही वर्ष में 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में प्राकृतिक कृषि पर 6 बड़े शिविरों का आयोजन किया जा चुका है और इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, जो ये दर्शाता है कि किसान सामुदायिक खेती की इस प्रणाली को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देकर कृषि को विशेष फल प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तथा अन्य अनेक सिंचाई योजनाओं से कृषि क्षेत्र की तस्वीर को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त किसानों को खेती के मशीनरीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए का नया राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित पात्र लाभार्थियों को छोटे ट्रैक्टर, पावर डीलर्स, वीडर्स तथा अन्य आवश्यकता आधारित मशीनरी खरीदने के लिए 50% उपदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सोलर फेंसिंग के लिए 85% का उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया कि वह सोलर फेंसिंग लगवाएं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि सोलर फेंसिंग के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी वह राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए कुलों इत्यादि पर 175 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मार्कंडे ने स्मारिका का विमोचन भी किया और मेले में भाग ले रहे उत्तम नस्ल के पशु पालकों को सम्मानित किया। मैं इस मौके जब यहां पर आया हूं कि किसी विभाग की बात भी करना चाहूंगा। आदरणीय संदीप जी ने कहा कि सच्चाई है कि सोलर फेंसिंग के लिए धनराशि तो आवंटन हुआ करता था, बहुत कम हुआ करता था बिलासपुर जिले के लिए। इस बार हमने 1.92 करोड़ रुपया के बिलासपुर जिले के लिए दिया है और यहां पर अभी भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं कि आवारा जानवर, आवारा जानवर बंदर बहुत ज्यादा हैं। हमारे लोग फसल लगाते हैं, खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं भाई दिलीप जी को, जितना धनराशि आप भविष्य में डिमांड करेंगे सोलर फेंसिंग के लिए, मैं आपको उतना धनराशियां मुहैया कराऊंगा। और इस साल हमारी सरकार ने 85% सब्सिडी दिया है और हमारे संजीव शर्मा जी ये हमारे ऐसे एक नेता हैं जिन्होंने हमारे जो घोषणा पत्र बना है उस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हमारा सब्सिडी बढ़ना चाहिए। इस साल हमने 80% बढ़ाया है और भविष्य में हम जो और बढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी हमारे किसान हैं सभी सोलर फेंसिंग करें। और इस साल हमने इससे बढ़ के आगे कदम उठाया है, 240 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस अवसर पर पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने मेले की जानकारी देते हुए बताया कि ये मेला पिछले 10 सालों से स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस मेले में पशु प्रदर्शनी के अतिरिक्त विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं, जिसमें किसानों तथा पशु पालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कृषि जनजाति विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे का फल एवं सब्जी उप मंडी जुखाला के शिलान्यास के लिए धन्यवाद किया तथा यहां किसान भवन बनाने का भी आग्रह किया ताकि किसानों को सेमिनार पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।